चलिए नमस्कार साथियों, आइए आज हम समझते हैं कि प्रेरणा साथी का पंजीकरण कैसे करेंगे। आपके सामने एक लिंक है, इस लिंक को हम ओपन करते हैं और इस लिंक के ओपन करते ही आप प्रेरणा साथी पंजीकरण के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब वह लिंक अपने एआरपी से आपको मिल जाए तो उस लिंक को आप ओपन करिए और आप देखिए क्या क्या इसमें भरना है, मुझे ये सिर्फ बताना है आपको। देखिए प्रेरणा साथी कौन हो सकता है? कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी या समुदाय का व्यक्ति जिसके पास स्वयं का स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा हो, जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़े। प्रेरणा साथी की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले साप्ताहिक जो वीकली आ रहा है वो भेजेगा, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाएगा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर 20 से 30 मिनट तक अभ्यास कराएगा और हर शनिवार जो क्विज आता है उसमें बच्चों को प्रतिभाग कराएगा। यहाँ देखिए ध्यान दिया है कि प्रेरणा साथी कोई समुदाय का प्रतिभागी होना चाहिए, कार्यरत शिक्षक या शिक्षा मित्र नहीं। यानी कोई शिक्षक या शिक्षा मित्र अगर सोच रहा है कि हमारे पास फोन है चलो हम ही प्रेरणा साथी बन जाते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। अब प्रेरणा साथी के पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रेरणा साथी का नाम आपको देना होगा, प्रेरणा साथी का जो है जेंडर देना होगा, प्रेरणा साथी की उम्र देनी होगी। उम्र में ध्यान रहे, मान लीजिए किसी की उम्र है 30 वर्ष तो आप केवल 30 लिखिएगा, आगे वर्ष या ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका फ़ोन नंबर और विद्यालय का यूडीएस कोड भरेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पंजीकरण जो है वो हेडमास्टर करेगा, यानी जो भी विद्यालय का शिक्षक है वो करेगा। ये प्रेरणा साथी जिसे आप चयनित कर रहे हैं उसके मोबाइल से ये पंजीकरण नहीं होना है, यह पंजीकरण आप करेंगे। अब इसके बाद ये तो प्रेरणा साथी का डिटेल हुआ, इसके बाद आते हैं कि प्रेरणा साथी ने बच्चों को चुन लिया। हाँ, तो अब बच्चों को चुना तो कितने बच्चों को चुना, ये संख्या है। मान लीजिए हमने 2 बच्चों को चुन लिया तो पहले बच्चे का नाम, उसकी क्लास और उसके अभिभावक का फ़ोन नंबर और ये 3 इन्फॉर्मेशन बच्चे की लगेगी। चूँकि हमने कहा है 2 बच्चों को उसने चुना है तो अगले बार हम एक और आएंगे, विद्यार्थी नंबर 2, उसका नाम है, उसकी कक्षा है, अभिभावक का नंबर है। अगर 2 से अधिक है तो फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम इसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रेरणा साथी का सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि हम प्रेरणा साथी का पंजीकरण कैसे करेंगे और प्रेरणा साथी के पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक सूचनाएं या जानकारियां हमें पहले से रख लेनी होंगी। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारी की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने साथी शिक्षकों के साथ भी इसे साझा करिए। धन्यवाद।